में हर एक मैच नया मैच है, नए सिरे से आपको प्रारंभ करना होगा, नई ऊर्जा को आपके अंदर निर्माण करना होगा और उसके बाद में आपके नाम का प्रसार होगा। तो देखना इस समय तुषार एक नामचीन बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक इनके ऊपर, नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर, मनोज और गेंदबाजी के लिए आए इस समय कांदिवली टीम के गेंदबाज, कांदिवली टीम के 12वां खिलाड़ी प्लेस द 12th मैन। राहुल रॉय, राहुल रॉय एक बड़ा नाम। तो यहाँ पे टफ फाइट है, यहाँ पे संघर्ष है, यहाँ पे एक खूबसूरत मैच होने के आसार है। एक तरफ राहुल एक नामचीन गेंदबाज, तो दूसरी तरफ तुषार एक आला बल्लेबाज, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही बढ़िया प्रयास, लेग बिफोर की मांग जरूर की थी इस समय, अच्छा प्रारंभ। स्टार्ट अगर आपको बेहतरीन तरह से मिलता है तो फिर मैच में आनंद मिलता है। तो देखना इस समय मनोज आए हैं, खूबसूरत बल्लेबाज मनोज, इनकी बल्लेबाजी जिन्होंने भी देखी है जरूर प्रशंसा करते हैं इनकी, और हम चाहते हैं कि उनका बल्ला यहाँ पर बोले। लेकिन राहुल जैसा एक नामचीन गेंदबाज उनके सामने है, तो सही मायने में एक टफ फाइट है, एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। विक्रोलिंस टीम से खेलते हैं राहुल। तो देखने इस समय सामने इस समय मनोज, फ्लैग ये दर्शाते भी कि हवा मैदान में किस तरह से बह रही है। तो देखना इस समय फील्ड का मुआयना करते हुए दो खिलाड़ी जो ऑनसाइड में बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किए गए, खास करके ऑनसाइड की बाउंड्रीज रोकने के लिए डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर रीजन तैयार इस समय राहुल, सामने समय मनोज ईश्वर की दूसरी गेंद लेके। ओहो बहुत ही खूबसूरत खबर के ऊपर से गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, गेंद बॉट लेके बाहर, चौवा आता हुआ, म्यूजिक ऑन होता हुआ। टाइमिंग और प्लेसमेंट का जबरदस्त संगम, आक्रामकता और संयम का मिश्रण आपके बल्लेबाजी में हो, टाइमिंग और प्लेसमेंट अगर आपकी बल्लेबाजी से निखरता हो तो फिर आपकी बल्लेबाजी आगे चल जाती है, आप बेहतरीन तरह से खेलते हो, आपका इंटरनल स्किल बाहर आ जाता है और फिर खूबसूरत क्रिकेट आपके द्वारा दिखाई जाती है। फील्ड में परिवर्तन करते हुए इस समय राहुल, अच्छी शुरुआत जरूर मिली है मनोज के द्वारा, पहली गेंद के परचौवा आत्मविश्वास को आगे ले जाता है, ऊर्जा का संचार मन में हो जाता है और फिर कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बढ़ता है। तो देखने इस समय खूबसूरत मैच मैदान के अंदर चलते हुए मनोज और तुषार इस मैदान में परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार, सामने समय राहुल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार मनोज के लिए। ये गेंद निकाय हटाई थी आखिरी गेंद में, गेंद लेग ब्रेक डाली थी, गेंद डालने के बाद ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और मनोज जो बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकल रहे थे, गति जो भापने में थोड़ी सी असफलता, रीड अच्छी तरह से नहीं हुआ, डॉट गेंद इस समय, तेरी तो एक मेरी, ये किसकी आने वाली गेंद। तो देखने इस समय तीन गेंदे पांच रन बिना कोई नुकसान से, चौथी गेंद एक बार फिर तैयार राहुल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मनोज पाटिल के लिए। ये गेंद निकाय हटाई थी, गेंद इस समय डीप फाइन लेग रीजन में, क्या ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, नहीं, अच्छी फील्ड, खूबसूरत फील्ड, गेंद लगभग लॉन्ग लेग रीजन में फील्ड हुई, दो रन का हिस्सा था, स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। एक सवाल जरूर होगा यहाँ पे, गेंदबाज जब गेंदबाजी डालेंगे तो बल्लेबाज की बल्लेबाजी को परखेंगे, क्या आपने ये गेंद को रीड किया है, और कहते हैं ना जब रिलीज ऑफ द डिलीवरी बल्लेबाज अगर पहचानते हैं तो बड़ी स्ट्रोक में तब्दील करते हैं, और फुटवर को अगर गेंदबाज पहचानेंगे तो असरदार गेंदबाजी का शुभारंभ होगा। तैयार एक बार फिर राहुल, 7 रन स्कोर कार्ड पर। ये गेंद फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी, एग्जीक्यूट किया इस समय काउ कॉर्नर रीजन में, सिंगल का हिस्सा था, दूसरी रन की मांग है, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, तालियों की गूंज दर्शाती हुई कि आपने जो यहाँ पे दो रन बटोरे हैं, खूबसूरत मैग्निफिसेंस, दो रन के साथ में स्कोर आगे सरकता हुआ 9 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर, खूबसूरत। तैयार समय मनोज, ये गेंद बैक फुट पे जाके गेंद को खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, थोड़ी सी तेज गेंद डाली थी मनोज इस समय बैक टू पवेलियन,
बड़ी मछली जरूर जाल में फंसी है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट दिया है, उस स्टार्ट को आगे बढ़ाना इस सफा वाला टीम को। पहली ओवर की समाप्ति, एक विकेट के नुकसान के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय नौ रन। चलते ही डीजे की तरफ, फिर आएंगे पिच मैदान। मेरी जान तड़पती है जिसे देख, मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं। तो नए बल्लेबाज आए हैं बबलू, पहला विकेट चटकाते हुए मनोज के रूप में समय सफलता हासिल। राहुल तो आए हैं मिहिर सामने, समय बबलो और तुषार। मिहिर के हाथ में गेंद दी है, एक जिम्मेदारी दी है कि आपको चलना है राहुल रॉय के नक्श कदम के ऊपर। तो मिहिर इस समय देखना है राइट आर्म और द विकेट बबलू। बबलू भी आला बल्लेबाज है, पिंच हिटर के रूप में उनको भेजा गया है, क्या पिंच हिटर की भूमिका यहां पे सही ठहराएंगे। एक अच्छा रोल है और अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, बड़े स्ट्रोक इनके बल्लेबाजी की पहचान है। बबलू ऑन स्ट्राइक, दूर दूर तक फैली हुई फील्ड है, दायरा अब बढ़ चुका है, रिस्ट्रिक्शन इज रिलीज नाउ। चलते मिहिर की गेंदबाजी की तरफ, सामने समय मिहिर, राइट चम ओवर द विकेट, सामने समय बबलू। फुल टॉस गेंद, दो गेंद के संकेत जरूर देंगे भीमर के रूप में इस समय गेंद, तो क्या आने वाले गेंद के ऊपर ये फ्री हिट होगा जरूर दर्शाएंगे हमें अंपायर, क्या ये फ्री हिट है। तो फ्री हिट तो अब फ्री हिट होगा, वाइट सॉरी वाइट है। वाइट है का नो संग वाइट। तो देखने समय वाइट के संकेत जरूर, स्कोर इस समय डबल फिगर 10 रन्स। तुषार ऑन स्ट्राइक, 11 रन स्कोर कार्ड पर तैयार इस समय तुषार। अगेन ऑप्शन के बाहर डालने का प्रयास, नो गेंद के संकेत इस समय, फ्री हिट। अब आया है फ्री हिट का मौका, जैसे आप जानते हैं सभी T20 टाइगर स्पोर्ट्स की तरफ से 200 रुपए की धनराशि यहां पर आती हुई कैश प्राइज, अगर जड़ते हैं छक्का तो आपके चाहने वाले 200 रुपए का इनाम देंगे। तो अच्छी गेंद यहां पर, बाल बाल बचते हुए सिंगल रन जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ में स्कोर आगे सरता हुआ 13 रन। क्या टाइगर स्पोर्ट्स के ऑनर को हम कहना चाहेंगे कि इनाम कंटिन्यू रहेगा? यस, उन्होंने कहा कि आप 6 रन खेल दो, छक्का जड़ दो, हम देंगे आपको 200 रुपए का कैश प्राइज। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके चाहने वाले, आपके हौसला अफजाई के लिए इनाम यहां पर रखते हुए, हर एक सिक्सर के ऊपर 200 रुपए का कैश प्राइज। तो चलते बबलू इस समय, सामने में हीर, अगेन लाभ की है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, हवा में लहराती हुई गेंद, विकेट का पतन, बैक टू पवेलियन, दूसरा विकेट बीच से। जगदीशा मैदान में बल्लेबाज को रुक के खेलना होगा, क्योंकि जहां तक सफाले टीम की बात आती है, सबसे
आक्रामक बल्लेबाज है उनके बल्लेबाजी में। खेमे में अगर नजर डाली तो काफी डीप बैटिंग लाइन है, लेकिन किसी भी एक बल्लेबाज को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। 26 आए हैं बॉर्केल नाम से जिनको पहचाना जाता है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है उनके कंधों के ऊपर। लेकिन जहां तक कांदिवली की गेंदबाजी की बात करेंगे तो बढ़िया गेंदबाजी, कंसिस्टेंसी गेंदबाजी में, अनुशासन गेंदबाजी में, बढ़िया पिचिंग डालते हैं और वेरिएशन गेंदबाजी में खूबसूरत नजर आता हुआ कांदिवली टीम का मिहिर और राहुल के द्वारा अब तक सुपर गेंदबाजी देखने को मिली है। तो स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सामने समय तुषार तैयार, मिहिर फुल टॉस गेंद, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था, जैसे खड़े थे उस तरह से गेंद को खेल दिया, ड्राइव किया क्योंकि तेज आई थी गेंद, अंदाजा किया था बल्लेबाज ने इस गेंद को फूल करेंगे, लेकिन लोअर फुल टॉस की तरह से जो गेंद डाली गई आगे सिंगल के साथ में समय स्ट्राइक को रोटेट किया 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब आए हैं जगदीश जिस बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, ओस्ट्रो का ना आवश्यक तैयार इस समय जगदीश मॉर्केल। ये गेंद, ये रहा ट्रेडमार्क जिस बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, दिखा दिया अपना ट्रेडमार्क, गेंद डाली रडार में, कर दी आउट ऑफ फार, सीधा 6 रनों के लिए। तो क्या टाइगर स्पोर्ट्स, तो 200 रुपए का कैश प्राइज इस समय जगदीश के इस खूबसूरत स्ट्रोक के हौसला अफजाई के लिए इनामी राशि आती हुई यहाँ पे 200 रुपया। बहुत ही खूबसूरत लंबा हिट जड़ते हुए अपने ट्रेडमार्क को दिखाते हुए मिस्टर जगदीश सुपर। बात फिर खूबसूरत करारा प्रहार, सिंगल रन जरूर मिलेगा लेकिन ताकत थी गेंद में, दूसरे रन की मांग, क्या यहाँ पे 2 रन आसानी के साथ में, एक्सीलेंट सुपर मैग्निफिसेंट रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन का इजाफा स्कोर कार्ड के पर समय 22 रन। अभी भी गेंदें आनी शेष है, एक आखिरी गेंद, जगदीश मॉर्केल का बल्ला थोड़ा सा बोलता हुआ, सफाला टीम के चाहने वाले की उम्मीद है यहाँ पे कि उनका बल्ला बोले और कुछ जो हसीन पल है यहाँ पर उनके बल्लेबाजी से मिले, कुछ बेहतरीन यादें उनके दिल में कैद हो, चाहते सब उनके चाहने वाले। मिहिर, क्या इस पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी बाहर निकलते हुए संकेत मिलते हुए खराब गेंद के, सिंगल का इजाफा 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, उंगलियां जरूर घुमाई थी ले। चामुंडा वॉरियर्स बनाम धाकड़ी रानू टॉस करने के लिए आए और साथ में आपकी एंट्री फीस भी जमा करे, बहुत ही बढ़िया। इस समय हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे गेंद को मिडान में, सिंगल रन जरूर मिलेगा 1 रन के साथ में। इस समय ओवर की समाप्ति, 24 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 का आस्किंग रन रेट चलता हुआ, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद में 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 24 रन, चलते डीजीए के सुमधुर संगीत के पास और फिर आएंगे मैदान में। माई कोलिया मई तरार, माई कोलिया मई तरार, माई कोलिया मई तरार, माई कोलिया। धन्यवाद जी, तो नहीं गेंदबाज कलीम आए हैं, कलीम ने गेंदबाज बढ़िया स्टार्ट दिया है, ड्रीम स्टार्ट जरूर होगा 24 रन से, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी मैं जरूर कहूंगा। 12 गेंदें अभी भी आनी शेष है और इन 12 गेंदों में अब सवाल जरूर उठाए जाएंगे कि सफाला टीम किस तरह से रणनीति तय करेगी, क्योंकि रणनीति स्ट्रेटजी। तलीम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए सॉरी, सामने समय 26 मॉर्केल। और जहां तक टाइगर स्पोर्ट्स की बात आती है तो जरूर रोहिदा सर ने यहाँ पे इनाम रखा गया है कि 200 रुपया जरूर मिलेगा हर सिक्सर के ऊपर, आप बेहतरीन बल्लेबाजी करो हमारा दिल बहलाओ, आपके हौसला अफजाई हम करेंगे, इनडायरेक्टली मैसेज जरूर उन्होंने दिया है।
आपको देखना इस समय तल्लीन, सामने समय मॉर्केल, फील्ड की सजावट, फसली भी नजर आती हुई इस समय। तो देखना ये गेंदबाज क्या स्पिन में, छोटी गेंद जरूर थी, मौका जरूर था। कहते ना कि गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए आएगा स्पिन गेंदबाज, तो कौन सी गेंदबाजी करेगा? ऑफ ब्रेक डालेगा, लेग ब्रेक डालेगा, फ्लिपर गेंद डालेगा, कैरम गेंद डालेगा, या फिर टॉप स्पिन डालेगा, कौन सी गेंद डालेगा? तो देखना इस समय दूसरी गेंद, लेग स्पिन इस समय जरूर डाला था, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी गेंद आगे खिलाई थी, तीस डाली थी, उतनी उमदा फील्ड, सिंगल का हिस्सा था, 25 ऑन द बोर्ड, 25 रन स्कोर कार्ड पर, अच्छी गेंदबाजी। बाद के गेंदबाज जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं, नेचुरल टर्न उनके पास रहते हैं, उंगलियां घुमाते और दैनत के बल्लेबाजी के ऊपर अपनी हुकूमत को प्रस्तावित करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन अब गेंदबाज की परीक्षा एग्जाम चलेगा, क्योंकि उनके सामने है बायत के गेंदबाज, और जब भी बायत के गेंदबाज और बायत के बल्लेबाज का मुकाबला होता है, बल्लेबाज हावी हो जाता है। क्या तुषार अपनी अप्रतिम बल्लेबाजी की छवि को यहाँ पे दिखाने में कामयाब होगा? तीसरी गेंद तुषार के लिए, आला बल्लेबाज है, नामचीन बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट इनके बल्लेबाजी की पहचान है, तो क्या यहाँ पर बड़े स्ट्रोक नजर आएंगे? तलीम बनाम तुषार का मुकाबला, तीसरी गेंद तुषार के लिए, ये गेंद, ये रहा ट्रेडमार्क तुषार का। रडार में डालोगे 200 रुपए का इनाम, 300 रुपए का इनाम, 100 रुपए की इनामी राशि बढ़ती हुई, और खूबसूरती के साथ में 300 रुपए इस आला स्ट्रोक को देते हुए टाइगर स्पोर्ट्स के ऑनर मिस्टर रोहिदास सर की तरफ से 300 रुपए की नकद राशि। तो इस खूबसूरत स्ट्रोक के लिए एक धूम तो बजनी चाहिए डीज से। बढ़िया स्ट्रोक, सीधा मिड विकेट के ऊपर से आउट ऑफ पार्क। तो देखना इस समय ये गेंद तेज जरूर डाली थी, सिंगल रन जरूर मिलेगी, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ, 32 ऑन द बोर्ड, 32 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर। और हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में गणेश कारबारी सर भी बैठे हुए, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के फैंस है, कहीं भी मैच हो जरूर देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वजह ही है क्रिकेट के लिए उनके दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार है। और 40 प्लस की बात हो तो अब तक अपना जलवा बिखरने में सक्षम माने जाते हैं गणेश कारबारी, मैन फ्रॉम अगरवाड़ी। तो द स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन, अगेन कमेंट्री बॉक्स के सम्मान में आउट ऑफ पार्क, 200 रुपए का कैश प्राइज इस बेहतरीन स्ट्रोक के लिए डिच से। बनर्ड 38 ऑन द बोर्ड, मार्केल मार्केल जो है, मार्केल का बल्ला जो है रनों की तलाश में लगातार खूबसूरत तर से आक्रामक होता हुआ, ये रहा तीसरा, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है, सुपर। और 300 रुपए का इनाम इस बेहतरीन स्ट्रोक के लिए, पूरे 1000 रुपए अब तक खर्चे हो चुके हैं। और 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अप्रतिम काबिले तारीफ सर्राना लाइक बल्लेबाजी का उमदा मुजाहिरा डिज से। कांदिवली टीम प्लीज नो टीम मीटिंग। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक अपने इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर खेल रहे इस समय मार्केल, और इस मंच के ऊपर बक्साई ग्राम पंचायत के माजी सरपंच सम्माननीय रंजन जी जोशी सर का शुभ आगमन होता हुआ, वेलकम सर, आपका तहे दिल से हार्दिक, दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत। यहाँ पर 21 रन के ऊपर खेलते हुए इस समय, उनमें खूबसूरत तरह से तीन बड़े हिट, ये ट्रेडमार्क दिखाते हुए जगदीश के बल्लेबाजी का 44 रन स्कोर कार्ड पर। चिंटू आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, स्लॉग ओवर, स्लॉग ओवर में बड़ी परेशानी, बल्लेबाज पूरी तरह से हावी, मैदान के हर कोने में अपने खूबसूरत ट्रेडमार्क को दिखाते हुए
चिंटू की परेशानी बढ़ती हुई, क्या आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और स्लागोर में अपनी घातकता सिद्ध करेंगे, या फिर तुषार जो बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं, क्या इस समय आखिरी स्लागोर में खूबसूरत बल्लेबाजी के तहत पूरी तरह से बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होंगे। तैयार इस समय चौथे ओवर की पहली गेंद, एक गेंद लेग ब्रेक जरूर थी भारत के बल्लेबाज के लिए, अंपायर के संकेत थोड़ी सी बाहर की तरफ, खराब गेंद के संकेत, सिंगल का हिस्सा 45 ऑन द बोर्ड, 45 ऑन द बोर्ड, ये रहा बड़ा हिट, जिसे कहते हैं ना इतनी छोटी गेंद अगर डालोगे तुषार जैसे बल्लेबाज को हश्र ही होगा कि गेंद सीधे आउट ऑफ पार्क जाएगी। तालियों की गूंज जरूर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 51 रन स्कोर हो चुकी है 51 रन स्कोर कार्ड पर, और ये 300 रुपए का इनाम आता हुआ तुषार के खूबसूरत बल्लेबाजी के बदौलत, आप प्रतिम बल्लेबाजी तारीफ जरूर बनेगी इस समय तुषार की। चिंटू परेशानी के घेरे में, थोड़े से बैकफुट पर जड़ दिया 6 रन से समय मिड विकेट के ऊपर से, ये बहुत ही खूबसूरत मैदान के हर कोने में, तो देखने इस समय रन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तुषार इंडिविजुअल स्कोर की बात करेंगे तुषार की, 22 रन के ऊपर खेल रहे तुषार, तुषार की जब भी बात करती है 6 रन मारने में काफी होशियार है और यहां पर दिखाते हुए अपने अप्रतिम बल्लेबाजी। चिंटू पूरी तरह से बैकफुट पर, ओ हो, ये गेंद ऊंचाई ज्यादा और सीधी हाथों में जाके थमती हुई, विकेट का पतन, तुषार बैक टू पवेलियन, लेकिन जरूर दगावत में तालियों की गूंज के साथ में इस्तकबाल होना चाहिए इस अप्रतिम बल्लेबाज का, हार्ड हिटर का, अप्रतिम बल्लेबाजी तुषार की, नए बल्लेबाज इस समय मैदान में मिस्टर प्रवीण, 55 रन के ऊपर तीसरा विकेट बैक टू पवेलियन, तो देखने समय थोड़े बल्लेबाज इस समय ओहो थोड़े से मिस टाइम स्ट्रोक जरूर हुई है, शॉट अप पूल इस समय पूल करना चाहते थे, तेज गेंद आई, विकेट जरूर इस समय मार्केल इस समय डकआउट की तरफ, स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर, दीपेश मैदान में गेंद आनी शेष है इस ओवर की दो, इस दो गेंदों में जरूर प्रवीण को एक बड़ा स्ट्रोक तो देखना, दो गेंद शेष प्रवीण तो देखने समय ऑन हैट्रिक गेंद जरूर है, दूसरी हैट्रिक क्या छटकाएंगे, सत्यम बारी ने पहली हैट्रिक छटकाई थी बोफर्स 11 अवसी पाटा के अगेंस्ट, ये गेंद डॉट गेंद आती हुई, बल्ला काफी जल्दबाजी में घुमाया था, अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं जो बड़े हिट की तलाश में निकले हैं सफाला टीम, और आखिरी गेंदों में लगातार जो रनों में कमी आई है, तो देखना इस गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक जरूर आनी चाहिए प्रवीण की बल्लेबाजी की ताकत को क्षमता को देखते हुए, बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी बल्लेबाजी की, और ये बड़ा हिट क्या होगा, शायद आउट ऑफ पार्क इस नो डाउट, और 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 62 रनों का टारगेट इस समय, जैसे दूसरे पारी का शुभारंभ होगा हमारे साथी कमेंटेटर हेमंत पाटिल सर आपके बने साथ में बने रहेंगे, फिलहाल चलते हैं डीसी की तरफ और फिर आएंगे बीच मैदान।
तुषार भाऊ 600 रुपए की जो कैश प्राइज इस समय देते हुए टाइगर स्पोर्ट्स के ऑनर रोहिदास सर, तो वेल प्लेड मोरकेल प्लीज। ₹700 का कैश प्राइज, खूबसूरत बल्लेबाजी के तहत टाइगर स्पोर्ट्स के ऑनर तुषा प्रवीण 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 प्लीज। छाखरी गेंद के पर छप ने बड़ा हिट खेला था, ₹200 का कैश प्राइज इस समय रोहिता सर की तरफ से। सेकंड मैचेस सेकंड राउंड तीन षटकांचा खेळला जाईल, चिलून गया, तीन तीन षटकाचे सामने होतील। नक्कीच साईजत क्रिकेट मंडळाचा मी आभारी राहीन, त्यांनी या ठिकाणी मला सुवर्ण संधी दिली, तमाम क्रीडा रसिकांच्या सोबत काही क्षण या ठिकाणी व्यतीत करण्याची जी सुवर्ण संधी दिली त्याबद्दल मी साईजत क्रिकेट क्लबचा आभारी राहीन। आणि यानंतर आवाज राहील तो आमचे आवडते समालोचक हेमंत पाटील सरांचे। हॅलो त्याला चिंचणी आणि धाकटी डहाणू कन्नादार यायचा नाण्यापैकीसाठी, ह्यानंतरचा होणारा सामना। आणि येताना आपले प्रवेश घेऊन यायचे दोन्ही कन्नादारांना विनंती असेल। सफा संघाचा शतरक्षण लावून घ्या। मंडळाकडून सूचना येते की ह्यानंतर होणारे सर्व सामने जे आहेत ते सर्व सामने तीन षटकांचे राहतील। 62 धावांचं लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानामध्ये। विशाल आणि दीपक सफा संघाला शतरक्षण लावून घ्या। धाकटी दानू आणि चिंचणी अपोलो चिंचणी दोन्ही संघाच्या कन्नादांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। तर पंच घाई करायची आहे। माफ करा, चामुंडा वॉरियर्स आणि धाकटी डहाणू ह्या दोन्ही संघाच्या कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। चला गोलंदाजी माग करते किती रन, 62 धावांचं लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानामध्ये। सामन्याला सुरुवात होते, पंच सचिन घरत संकेत देत आहेत। तुम्ही 62 धावांचं लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी विशाल सज्ज आणि त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी गोलंदाजी महाकवरती डावखुरा गोलंदाज किरण। पहिला चेंडू आणि हा पहिलाच चेंडू संकेत देतो आउट ऑफ पार्क हवाई सफर। तुम्ही चिंचणी नाणेफेक जिंकते आणि आपला निर्णय कळवायचा आहे। तुम्ही पहिल्याच चेंडूवरती इरादे स्पष्ट करताना
विशाल विशालच्या बॅटमधून निघालेला हा विशाल फटका संकेत देतात की 62 धावांचं लक्ष्य आमच्यासाठी कमी. दुरून आलेला संघ, कांदिवलीवरून आलेला संघ हा हा संघाचा पहिलाच चेंडूचा सामना करताना सरळ षटकार किरणवरती दडपण वाढतं. पहिलाच षटकाच्या सुरुवातीला शानदार असं स्वागत केलं जातं षटकार मारून किरणचं. निश्चितच पॉवर प्लेचा जो षटक आहे त्या षटकाचं स्वागत करताना मोठ्या धावसंख्येचा संकेत देताना विशाल क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल, कारण मोठा फटका एक दडपण वाढवताना परत एकदा सुरेख असा चेंडू होता. गुणवर्ती चेंडू पडलेला चेंडू, निर्धाव चेंडू जातोय. बाईच्या स्वरूपात एक धाव कलेक्ट केली जाते. धाव संख्या होते ती 7 धावा. पहिला चेंडू अखुटपणाचा चेंडू, त्यानंतर कम बॅक केला जातो किरण मार्फत सुरेख अशी गोलंदाजी साकारली जाते. त्यांना स्ट्राईक वरती येतो दीपक, मजबूत शरीरश्रीचा दीपक. निश्चितच उत्सुकता असेल चौकार आणि षटकारांची, कारण आवश्यकता आहे 62 धावांचा. सुरेख डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न, खेळून काढण्याचा प्रयत्न हलक्या हाताने खेळला जातो. एक धाव कलेक्ट केली जाते. ह्या एकेरी धावसंख्येने धावसंख्या आकार घेते 8 धावा. चोवीस चेंडू आणि 62 धावांचं लक्ष. प्रत्येक षटकामागे 15.50 धावांची सरासरी. निश्चितच तुम्हाला मोठे फटक्यांची अपेक्षा. सुरेख असा चेंडू हाताला जातो किरणच्या मार्फत. जो पहिला चेंडू होता त्या चेंडूची पुरेपूर भरपाई काढून गेली जातो तो किरण मार्फत. मोठ्या फटक्यांच्या अपेक्षेत आहे तो दीपक, माफ करा विशाल, आणि त्याला साजेशी गोलंदाजी करतोय तो किरण. सफा विभागातील एक सुरेख अशी गोलंदाजी केली जाते. ती हवे तो चेंडू आहे. बघा शतरक्षक खाली आहे, झेल टिपला जाईल का? दरम्यान शतरक्षक थोडीशी गलती करतोय आणि हा षटकार घोषित केला जातोय. अंदाज आला नाहीये आणि हा जो काही झेल होता हा झेल सरळ षटकारामध्ये रूपांतरित होतोय. धावसंख्या 6 ने आकार होते. धावसंख्या होते ती 14 धावा. 14 धावा. निश्चित थोडस शतरक्षणामध्ये थोडासा समतोल राहिला नाहीये. दरम्यान दीपक यांच्या बॅटमधून निघालेला हा विशाल यांच्या बॅटमधून निघालेला हा दुसरा षटकार. सुरेख चेंडू खोलवरती मारा केला जातोय. मॅन चांगलं असं शतरक्षण म्हणता येईल. एक धाव पूर्ण होते. ह्या एकेरी धावसंख्येने संघाची धावसंख्या पोहोचते जी 15 धावा. पहिलं षटक संपतंय, पॉवर प्लेचं षटक संपतंय. धावसंख्या ती 15. चला घाई करा सफा संघ. तुम्ही सफा संघ अजून आपल्या बरेचसे सामने खेळवायचे आहेत. विनंती असेल की संघ संघनायकांना की टीम मिटिंग कमी करा आणि सहकार्य करा मंडळाला. दरम्यान दुसरा षटक घेऊन येतो तो मनोज. एक आक्रमक असा गोलंदाज सफा विभागातील मनोज. कंजूशी गोलंदाजी करण्यात माहीर समजला जातो तो मनोज. समोर येतो एक आक्रमक फलंदाज कांदिवली कडून विशाल. पंधरा धावसंख्या जमवण्यामध्ये ज्या 14 धावांचं योगदान आहे तो दीपक.
आणि गोलंदाजी मार्क वरती मनोज पंथांच्या डावीकडून मारा करेल. ओ फसवा चेंडू आणि त्या फसवा चेंडूला फसवला जातो विशाल तंबू मध्ये परततो. पहिला धक्का बसतोय, मोठा धक्का बसतोय कांदिवली संघाला. अवघ्या 15 धाव संख्येवरती एक आक्रमक फलंदाजाला बात करण्यात यश येत होते. मनोजला ज्या शैलीमध्ये गोलंदाजी करतो, ज्या रनअप घेतला जातोय, त्या रनअप वरती अक्षरशः फसला जातोय तो फलंदाज. दरम्यान नवीन फलंदाज येतोय हेमंत. दरम्यान रनअप इतका सुरेख असतो की फलंदाजाला वाटे की हा निश्चितच वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न असेल, पण तो चतुराईने गोलंदाजी करण्यात तरबेज मनोज आणि यश येतं पहिल्याच चेंडूवरती. ज्या पहिल्याच चेंडूवरती किरण ह्याला षटकार आणला होता, त्या पहिल्याच चेंडूवरती मनोजच्या पहिल्या चेंडूवरती त्रिफला उद्ध्वस्त केल्या जातात त्या दीपकच्या. दरम्यान नवीन फलंदाज हेमंत. पासष्ट धावांचं लक्ष आणि त्या लक्षाचा पाठलाग करण्यासाठी निश्चितच आपला चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल कांदिवली संघाला. धाव संख्या स्थिर आहे मात्र 15 धाव संख्येवरती. हो सुरेखा चेंडू हाताला जातोय मनोज मार्फत, परंतु इतकाच चतुराईने खेळून काढला जातो हेमंत मार्फत. चांगलं असं क्रिकेट पाहायला मिळतंय, जितका चांगला चेंडू तितकाच सन्मानपूर्वक हलक्या हाताने खेळून काढला जातोय. एकेरी धाव संख्येने धाव संख्या अंकित होते 16 धावा. दरम्यान आता दीपक सुरेखा फटका, शतरक्षक खाली आहे, झेल टिपला जातोय अप्रतिम असा झेल. सीमारेषेवरती तैनात शतरक्षकामार्फत झेल टिपला जातोय. दुसरा धक्का बसतोय तो कांदिवली संघाला. दरम्यान टायमिंग करू शकला नाही फुलटाचा चेंडू, पण त्या फुलटाचा चेंडूचा पुरेपूर फायदा उठवताना येतो दीपकला. दरम्यान दीपक कांदिवली संघाकडून पोलाड या नावाने गणला जातोय, परंतु आपली जादू फलंदाजी का दाखवता आली नाहीये. तंबूत परततोय आणि दीपकची जागा घेण्यासाठी जातोय मिलिंद. ज्यामध्ये ती आक्रमकता दाखवली फलंदाजी मध्ये जगदीश, हा जगदीश मापेल सुरेख झेल टिपला जातोय सीमारेषेवरती. एक चतुराई भरी अशी शतरक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय जगदीश मार्फत. दरम्यान मिलन नवीन फलंदाज समोर. आतापर्यंत सुरेख अशी गोलंदाजी साकारली जाते मनोज मार्फत. परत येतो फसवा चेंडू आणि त्या फसवा चेंडूला यश येते. चेंडू पडल्यानंतर एसटी थोडे बाहेर जाणारा चेंडू, एसटी रक्षक सुरेकर त्या हाताला जातो चेंडू, निर्धाव चेंडू. पहिल्याच म्हटल्याप्रमाणे एक सफाळ विभागातील ज्याची गणना केली जाते कंजूष अशी गोलंदाजी आतापर्यंत मनोज मार्फत. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय आणि एसटी रक्षक झेल टिपतोय. ह्या षटकामागे तिसरा गडी बाद होतोय अप्रतिम आतापर्यंत गोलंदाजी मनोज मार्फत. पाच चेंडूचा खेळ संपतोय, ह्या पाच चेंडू मध्ये तीन गड्यांना बाद करून केवळ एक धाव बहाल केली जाते मनोज मार्फत. पूर्णपणे बॅकफुटला जातोय तो कांदिवली संघ. दरम्यान राज येतोय ज्याची गरज आहे आता कांदिवली संघाला, तो राज येतोय. षटकातील शेवटचा चेंडू समोर येतो हेमंत. कुठेतरी पहिल्याच षटकामध्ये एक आक्रमकता दाखवली आणि आम्हीही या स्पर्धेमध्ये अजून टिकून राहण्याचा प्रयत्न
करतोय अशी आशा दाखवली होती ती कांदिवली संघाच्या फलंदाजाने, परंतु त्या खराब अशी चंडू फेक म्हणता येईल. दरम्यान एकच धाव पूर्ण, षटक संपतय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या ती 17. त्याच्या विजयाच्या ज्या काही आशा दाखवल्या होत्या त्या आशा पूर्णपणे फुल ठरवल्या त्या मनोज या गोलंदाजाने, आणि तब्बल आपल्या षटकामागे 3 गड्यांना बाद करून केवळ 2 धावा दिल्या त्या मनोज यांनी. आणि कुठेतरी बॅक फुटला जातोय तो कांदिवली संघ. दरम्यान गोलंदाजी मार्क वरती अष्टपैलू ची भूमिका बजावताना जगदीश समोर येतो. हेमंत लक्ष खूपच दूर, ह्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी निश्चितच षटकारांची आतंशबाजी हेमंत आणि राजच्या बॅट मधून. सुरेख हा चंडू, परंतु दिशा खराब. पंच सोयर चंडूचा पहिला चंडू एष्टीच्या खूपच दूर आणि सोयर चंडू. परत एकदा तोच त्याच दिशेने चंडू टाकला जातो. सलग 2 चंडू, खराब चंडू. ह्या खराब चंडूने धाव संख्या अंकित केली जाते, ती धाव संख्या 19 धावा. दरम्यान कुठेतरी लेन आणि लाईन पकडावी लागेल ती जगदीशाला. खराब चेंडूने प्रारंभ केला जातोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेख फटका. दरम्यान वन बाउंस चौकार जातोय आणि हा चौकार आणि धाव संख्या अंकित केली जाते 23 धावा. अशा चौकार आणि षटकारांची आवश्यकता. दरम्यान कुठेतरी दिशा फटकतोय लेन आणि लाईन थोडासा फटकतो तो जगदीश. वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न, परंतु त्या प्रयत्नामध्ये खराब दिशेवरती चंडू टाकला जातोय आणि त्याचा फायदा उठवतोय तो फलंदाज हेमंत. सलग 2 चेंडू, सोयर चेंडू आणि त्यानंतर आखूड टप्प्याचा चेंडू. बघूया पुढचा चेंडू. ओ सुरेख फटका. सलग हा षटकार, पहिला चेंडू चौकार आणि दुसरा चेंडू षटकार. थोडस विचार करण्याला प्रवृत्त केला जातो. धाव संख्या किती? 29 धावा. आवश्यकता 10 चेंडू आणि 33 धावांची. तुम्ही कुठेतरी विजयाच्या दिशेने आम्हीही अजून ह्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहू ह्या दृष्टीने प्रयत्न करताना एक आशा पल्लवित करताना कांदिवली संघाचा फलंदाज हेमंत ज्या दुसऱ्या षटकामध्ये बॅक फुटला गेलेला जो होता तो पूर्णपणे आगेकूच करताना हा संघ हा फलंदाज 10 चेंडू 33 धावा आणि गोलंदाज जगदीश. परत एकदा पंचांकडून इशारा येतोय की हा खराब चेंडू, ह्या षटकातील हा तिसरा खराब चेंडू. 2 चेंडूचा खेळ संपतोय. ह्या 2 चेंडू मागे तब्बल 13 धावा आतापर्यंत वसूल केलेले आहेत. निश्चितच मोठा षटक येण्याची सुरुवात असेल. अजून या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. निश्चित या षटकामागे आणखीन 4 चेंडूमध्ये कमीत कमी 15 धावा आल्या तर निश्चितच आणखीन सुरज निर्माण होईल ह्या सामन्यामध्ये आणि तो प्रयत्न असेल हेमंत ह्यांचा. थांब्या, थोडासा दडपणामध्ये जगदीश ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली, आक्रमकता दाखवली, ती आक्रमकता गोलंदाजी मार्क वरती आणि हा तिरफला उद्ध्वस्त खोलवरती मारा केला जातोय आणि षटकार मारण्याचा प्रयत्न, परंतु पूर्णपणे
फोल ठरवला जातोय तो जगदीश मार्फत सलग दोन चेंडू वरती चौकार आणि षटकार मारल्यानंतर तिसरा चेंडू वरती कडे बाद करण्यात यश येतं. कमबॅक होतं जगदीश मार्फत. नवी फलंदाज जातोय तो चिंटू. तुम्हें 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळतं ते टायगर्स फूडचे संघ मालक रोहितदास यांच्याकडून मार्केल आणि जगदीश आखुट चेंडू परत मिस्ट्रोक होतोय. नो मॅन्स लँड वरती चेंडू पडतोय. एक धावा पूर्ण होते. दुसरा धावचा प्रयत्न. दोन धावा पूर्ण होत आहेत. ह्या दुहेरी धावसंख्या होती होती 32 धावा. तमे नवीन फलंदाज चिंटू आखुटे पैदा चंडू परंतु त्या चंडूचा पुरेपूर फायदा उठवत आल्यानंतर चिंटूला तमाम षटकाराची आवश्यकता सामना विजयीच्या दिशेने जाण्यासाठी. ओ आणि हा ही खोलवर मारा करण्याचा प्रयत्न यश येते. सरळ हा दुसरा त्रिफलाचित जगदीशांच्या गोलंदाजीवरती. त्यामुळे जगदीशाला 100 रुपयाचं पारितोषिक. सात चेंडू आणि 31 धावांचं लक्ष. सात चेंडू आणि 30 धावांचं लक्ष माफ करा. मिहिर जातो नवीन फलंदाज. जगदीश आणि पहिला सुरुवातीला थोडीशी खराब गोलंदाजी परंतु पूर्णपणे भरपाई केली जाते आपल्या गोलंदाजी मार्क वरती. आणि सूर्यकसा चंडू हाताला जातोय. दोन फलंदाजांना तिरफलाचित केलं जातं आपल्या गोलंदाजीवरती. आणि हा षटकातील शेवटचा चंडू. आवश्यकता आहे ती 30 धावांची. 7 चंडू आणि 30 धावा जमवायच्या आहेत कांदिवली संघाला. परत येतो सूर्यकसा चंडू हाताला जातोय. वारंवार खोलवरती मारा करण्याचा प्रयत्न आणि त्याला यश येतंय. षटक संपते. तिसरं षटक संपते. तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर धाव संख्या येते 33 धावा. 6 चेंडू आणि 29 धावा. जवळजवळ 5 षटकारांची आवश्यकता आणि समोर येतो मिहिर आणि गोलंदाजीसाठी आलाय तो. 9 नाथ. पाच षटकारांची आवश्यकता. 29 धावांचं लक्ष. सुरेख चेंडू परंतु तितका आज सुरेख फटका. वन्स बाउन्स शतरक्षण केलं जातं परंतु सीमा रेषा वाचू शकला नाही तो शतरक्षक. 4 धावांनी प्रारंभ होतोय. ह्या षटकाचं स्वागत केलं जातं मिहिर मार्फत नवनाथच. अशीच प्रत्येक चेंडू मागे आक्रमकता दाखवायची लागेल ती मिहिरला. वारंवार सुरेख असा चेंडू हाताळावा लागेल. त्यामुळे शतरक्षणामध्ये थोडासा बदल केला जातोय.
पांच चेंडू आणि 25 धावांचं लक्ष. ओ सुरेखा चेंडू वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न, परंतु पंच घोषित करतात की खरा दिशेवरती चेंडू हाताला जातोय. वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न सर चेंडू पंच सचिन घरत मार्फत. पांच चेंडू आणि 24 धावांचं लक्ष. वारंवार वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न, परंतु दिशा खराब. सुरेखाचा चेंडू हाताला जातोय. नवनाथ मार्फत शतरक्षण होतोय. सुरेख शतरक्षण म्हणता येईल. दोन धावचा प्रयत्न आणि हा धावात होतोय. चांगलं शतरक्षण म्हणता येईल आणि त्या चांगल्या शतरक्षणाचा फायदा भेटतोय तो सफाळ संघाला. नवी फलंदाज मित्तल. चिंचणी संघ आपला निर्णय कळवायचा आहे. शतरक्षण घेतलंय चिंचणी संघाने. नाणेफेक जिंकून शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सुरेखा फटका, सुरेखाचा आवाज येतोय आणि हा जातोय आउट ऑफ पार्क मित्तल मार्फत. निश्चितच अशा षटकारांची आवश्यकता आहे आतापर्यंत. पंचेचाळीस धावा धाव फलकावरती लागल्या जात आहेत. दरम्यान तिन्ही चेंडूवरती तीन खणखणीत षटकारांची आवश्यकता. ओहो सलग दुसरा षटकार फायनलच्या दिशेने जातोय. निश्चित विचार करायला भाग पाडला जातोय. कांदिवली संघाच्या कर्णधाराला कुठेतरी चिंतेचा विषय की हा फलंदाज मी मागे का ठेवला. मिहीर सलग दोन चेंडूवरती दोन षटकार. धाव संख्या 51, दोन चेंडू 11 धावा. दरम्यान कंपल्सरी आपल्या धाव संख्या काढायच्या आहेत. कंपल्सरी चेजिंगचा निर्णय आपल्याकडे. दोन चेंडू 11 धावा म्हणजे दोन खणखणीत षटकार. उत्सुकता पणाला लागलेली. जे कुठेतरी बॅकफूटला जो होता कांदिवली संघ त्या आशा पल्लवित करताना मित्तल मार्फत. दरम्यान दडपणा खाली येतोय तो नवनाथ. पूर्णपणे भविष्य ह्या चेंडूवरती अवलंबून. ओ हो सुरेखा चेंडू वेगवान मारा आणि त्या वेगवान माराचा फायदा उठवतोय. ज्या आशा पल्लवित केल्या होत्या त्या आशा वरती पाणी सुटत कुठेतरी कांदिवली संघ. दरम्यान एक चेंडू आणि केवळ औपचारिकता बाकी असेल. पंचाकडून सोयर चेंडू. आतापर्यंत आपल्या षटकामागे नवनाथ थोडासा महागडा असा होता ना. दोन षटकार आणि एक चौकार या षटकामागे. शेवटचा चेंडू. ओहो सुरेखा चेंडू. सामना जिंकतो सफाळ संघ. दरम्यान कांदिवली संघाने सुरेख खेळ केला. प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांचंही खूप खूप आभार. आणि जसा सामना सुरू होईल तसा आपल्या सोबत असतील.
जसा सामन्याला सुरुवात होईल आपल्या सोबत असतील समालोचन कक्षामध्ये श्रीकांत सर। जगदीश यांनी आपला पारदर्शक घेऊन जायचा आहे। जगदीश हॅलो 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 दरम्यान सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होईल। अप्रतिम सामना पाहायला मिळाला सर्व प्रेक्षक वर्गाला। आपण पाहिलं सफाळे परिसरातील आणि एक कांदिवली या दरम्यान एक मोठा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळाला। तर पाहूया यावेळेस मात्र दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळेल। तर आता दोन्ही पण डहाणू परिसरातील एक नावाजलेले संघ आमने सामने या ठिकाणी पाहायला मिळतील। तर सामने मात्र तीन षटकांचे खेळले जातील। तर प्लीज मी आमंत्रित करीन जगदीश मोरकॉल याला आपला पारितोषिक घेऊन जायचं आहे प्लीज या ठिकाणी। बोल्ड केला होता एक त्रिफलाजीत घेतला होता। तर टायगर स्पोर्ट्सचे जे ओनर आहेत रोहित आसे यांच्याकडून 100% पारितोषिक आलेले। प्लीज जगदीश मोरकॉल इकडे येऊन घेऊन जायचं आहे अप्रतिम गोलंदाजी। तर पाहूया यावेळेस सामन्याला सुरुवात होईल। पंच मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दिसतील। संजय मल्होत्रा अमोल अनिल चव्हाणला तिथे आमंत्रण आले सरांकडून। तर दोन संघांदरम्यान या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होणार। चामुंडा वॉरियर्स चिंचणी तसेच भागटी डहाणू दोन संघांदरम्यान या मिळेस द्वंद युद्ध पाहायला मिळेल। तर पाहूया यावेळेस थोडासा फेरबदल करण्यात आला। सामना तीन षटकांचा खेळला जाईल। एक षटक मात्र पॉवर प्लेचं बंधन राहील। तर अग्रसेना पुरस्कृत भव्य टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2018 या ठिकाणी भव्य दिव्य आयोजन साईज्योत कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ मायकोपच्या वतीने आजचा सलग तिसरा दिवस आपण पाहतो। या ठिकाणी तीन दिवस झालेले आहेत। तर दोन दिवसामध्ये पहिल्या दिवशी मात्र जी हनुमान मायकोप संघ पुढे आला। तर दुसऱ्या दिवशी सफाळे परिसरातील मात्र एनसीसी सफाळे संघाने बाजी मारली। आज मात्र कुठला संघ आपलं नाव करेल मात्र अप्रतिम सामने सर्व या ठिकाणी पा